बुद्धिजीवी साथियों, जय भीम जय भारत। आज हम सब जो वक्त वक्त राज्यों से जहां एकत्र हुए हैं, जो केंद्र सरकार की हमारे वर्गों के लिए जो नीति बनाई जा रही है उसके गलत नीति अपनाई जा रही है, उसके खिलाफ हम सब एकत्र हुए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ पाटिल जी को, जिन्होंने पूरे इंडिया से यहाँ पर जो एम्प्लाई संगठन है उनको यहाँ बुलाया है। आज के इस मौके पर सभी नेतागणों ने जो आपके सामने डिमांडें रखी है वो कोई आज की भी है, बहुत देर से चर्चा आ रही है। 85th अमेंडमेंट जिसके बारे में बहुत संघर्ष किया था वो भी अभी तक पूरे राज्यों में लागू नहीं किया गया। इसी के साथ प्रमोशन में आरक्षण जो है वो भी खत्म किया जा रहा है, बहुत सारे राज्यों में तो खत्म कर दिया गया है। तो जो राज्यों में अभी चल रहा है उसमें भी ये नीति बनाई जा रही है कि यहाँ भी खत्म की जाए। बीजेपी की सरकार तो के सेंटर में है मोदी जी, आज जो भी फैसला लेते हैं वो दलितों के खिलाफ ले रहे हैं। दलितों की जो समस्या है उनको अभी सुनते नहीं है। इसीलिए हम सब लोग एकत्र होके उनको जगाने के लिए जहां आए हैं कि जो हमारी संवैधानिक मांगे हैं उनको जल्दी माना जाए। अगर यह नहीं होता तो आने वाले समय में पूरे भारत में जो आक्रोश अब पड़ रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, हो सकता है कि राज्यों में भी ये फैल जाए और जिसको संभालना पूरे जो सेंट्रल सरकार है उनको बड़ा औखा हो जाएगा। सो जिस तरह ओबीसी को भी मांग की गई है कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए, एक मैं पाटिल जी से जो बेनती करूंगा कि एक और मांग भी डालनी चाहिए, जो हमारी जितनी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन के हिसाब से जो सारा आरक्षण बनता है वो भी सानू दिया जाए। ये बहुत अति जरूरी है क्योंकि आज पंजाब में 40% के करीब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन हो चुकी है, तो वहां पर 25% भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सो इन्होंने एक और काम किया है, जो पॉलिटिकल पोस्टर ने एमएलए ने एमपी ने उन्होंने बच्चे इन्होंने अपनी सीटा बढ़ा लिया, पर जो नौकरियों में लक्षण है उस पर ये साइलेंट है, कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पंजाब में पहले अकाली बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने 10 साल राज किया और 10 साल में जो राइट मिल रहे थे दलितों को वो भी खत्म कर दिए थे। अब पंजाब में कैप्टन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो भी उनकी ही नीतियों में चलकर जो समाई जैच जो मिल रहा है वो भी खत्म करने के लिए खुला हुआ है। दलितों को जो बिजली माफ किया गया था वो भी खत्म किया जा रहा है, और आंगनबाड़ी वर्करों को आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि आंगनबाड़ी वर्कर जो हमारे पंजाब में है आप सड़कों में फिर रहे हैं, उनको बेरोजगार किया जा रहा है, उनके लिए कोई नीति नहीं बनाई जा रही। सो मैं आज इस माध्यम से जो पंजाब सरकार को भी यहाँ पर सीएडी के भी और इंटेलिजेंसी के लोग होंगे
उनके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनको हमारी ओर से ये चेतावनी दे दी थी है कि अगर ये इनकी मांगे जो है उनको स्वीकार ना किया गया, इनके साथ बातचीत ना की गई, तब आने वाला समय उनके लिए भी बहुत खराब हो जाएगा। हम यहाँ पर बैठे बात कर रहे थे कि जल्दी ही पंजाब हरियाणा हिमाचल के लोग ड्यूटी के लोग इकट्ठे करकर चंडीगढ़ में एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके एक संगठन बनाकर ज्वाइंट संगठन बनाकर वहाँ पर एक बहुत लाभ साल एजुकेशन मूव करेंगे जिसको संभालने के लिए पंजाब सरकार को बहुत मौका हो जाएगा। तो मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग यहाँ आए हैं, हमारे नेतागण बैठे हैं, इनको भी मैं बेनती करूँगा कि जेकर हम यहाँ पर हमारे लोग भारी गिनती में इकट्ठे करना चाहते हैं और हमारे लोग जो गांव में बैठे हैं उनके तक पहुंच करनी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को हमको लेना पड़ेगा, उनकी समस्याओं का हल करना पड़ेगा, उनको साथ लेकर हम जो एक बड़ा जो जिहाद है भारत सरकार के खिलाफ राज्य सरकारों के खिलाफ हम खेल सकते हैं। इस अगर यहाँ नहीं कर सकते तो इकल्ले मुलाजिम जो है ये इनके लिए करना बड़ा औखा हो जाएगा, उनको साथ लेना पड़ेगा, उनकी मांगों को लेना पड़ेगा, तो जो उनकी समस्या है उनके हल करने के लिए सरकार के साथ बात करनी पड़ेगी। सो इसलिए मैं अखीर में ये कहना चाहता हूँ कि पाटिल साहब और के जो साथे नेशनल अध्यक्ष हैं अशोक भारती जी, जो सभी लोग मिलकर एक राष्ट्र लेवल पे एक रणनीति तैयार कीजिए, रणनीति तैयार करके अगले साल यहाँ पर 3-4 लाख 5 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठे करें ताकि ताकि सेंट्रल सरकार को जो पता लगेगा कि आगे सरकार भी चेंज होने वाली है तो सेंटर की इलेक्शन भी आने वाली है, उनसे पहले यहाँ पर एक ऐसा इकट्ठा कर दिए कि सरकार के काम पूजे और हमारी जो मांगे है उनको सुने और सुनकर हल करे। अगर यह नहीं करे तो उनके खिलाफ हम जो भी एक्शन लेना पड़ेगा तो हमारा जो संगठन है वो रल के लेगी। इतना कहता हुआ मैं ध्यान देता हूँ। जय भीम जय भारत।